नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनबाट टाइम्स। एसएस मार्शल एकेडमी द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वर्ल्ड वुडो सतोरिया कराटे संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2021 को बेल्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आरंभ राष्ट्र ध्वजारोहण के द्वारा किया गया। प्रवीर कुमार गर्ग चेयरमैन ने किया ध्वजारोहण। अतिथि होटल प्रतियोगिता में आगरा, फिरोजाबाद और टूंडला मथुरा की टीमों ने भाग लिया। बच्चों में काफी उत्साह का परिचय दिया। लखनऊ में आयोजित प्रदेश कराटे प्रतियोगिता में आगरा की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें भूमिका राजपूत ने गोल्ड मेडल जीता। ब्लैक बेल्ट का टेस्ट अभय नागर जिसमें विशेष अतिथि रहे संजीव नागर, कौशल वंसल, अशोक राजपूत कोच, मुकुल दीपक, राहुल लोकेश, श्यामलाल यादव कराटे बेल्ट मुख्य परीक्षण, नितिन सोलंकी। 80 खिलाड़ियों को कराटे बेल्ट में सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं प्रताप सिंह आजाद के साथ अभय शर्मा की रिपोर्ट। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट अनुराधा तिवारी। आज किस प्रकार का बच्चों का जो प्रोग्राम है कराटे का, इसके बारे में बता दीजिए। आज बेल्ट एग्जाम का आयोजन किया गया है। बच्चे पूरी साल बहुत मेहनत करते हैं तो उनके मोटिवेशन के लिए अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे जिन्होंने शुरुआत अभी की है वो येलो बेल्ट का एग्ज़ाम देंगे, उससे ऊपर जो बच्चे हैं वो रेड, ग्रीन, अलग अलग कैडर में वो लोग एग्ज़ाम देंगे। आज कलर बेल्ट क्या होता है, इसके इससे क्या बच्चों का फ़ायदा होता है? हाँ, एक्चुअली ना किसी भी, जैसे हम देखते हैं कि पढ़ाई भी जब हम करते हैं तो अलग अलग कक्षाओं को पास या क्लासेस को पास करने के लिए अपग्रेडेशन के लिए हम एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरह कराटे में भी आप जब अपग्रेड करते हैं तो आपको बेल्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप शुरुआत में आपने कराया तो येलो होगा, येलो के बाद फिर ऑरेंज बेल्ट है, रेड बेल्ट है, तो ये ग्रेडिंग हो रही है बच्चों की। सबसे आखिरी कौन सी बेल्ट? ब्लैक बेल्ट, सबसे आखिरी ब्लैक बेल्ट होती है। उसमें भी कई डिग्री होती हैं, है ना। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जी जो है, उन्होंने 10th ग्रेड की डिग्री की बेल्ट ले रखी है ब्लैक में। तो ये मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितना सीख रहे हैं, किस स्टैंडर्ड तक आपने अचीव किया है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हाल में बच्चों के साथ में बड़ी समस्याएं रही, बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ा सा कराटे को लेकर कुछ। देखिए, कोरोना में हमने देखा कि लॉकडाउन के कारण सब लोग स्थिर हो गए, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें कोविड ने सिखाया कि हमें किसी भी चीज़ से, हमें अपने स्वास्थ्य से तो कभी कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चा मार्शल आर्ट सीख रहा है तो एक तो वो स्वस्थ हो रहा है, दूसरा दिमाग से बहुत अलर्ट हो रहा है। और मेरे को लगता है कि आज 2022 में हमारा ये उद्देश्य भी होना चाहिए, स्वस्थ भारत और सजग भारत।